हे गाइस, अर्णव हियर एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम आसान है। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये मीन, मीडियन, मोड क्या है और ये कैसे हमारे काम पे आ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन के ऊपर। मीन क्या है? मीन को हम लोग एरिथमेटिक मीन कह सकते हैं, एरिथमेटिक मीन या एवरेज। एरिथमेटिक मीन और हम इसे एवरेज भी कह सकते हैं। ये और कुछ भी नहीं, हम लोग एरिथमेटिक पे जो एवरेज करते थे वही है ये एरिथमेटिक मीन। तो अब ये मीडियन क्या है? मीडियन को आप मिडिल इससे याद रख सकते हैं। तो मीडियन का काम क्या है? आपके पास अगर कोई डेटा सेट हुआ तो उस डेटा सेट पे जो मिडिल मोस्ट नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा। तो ये असल में दिखाता है कि आपके पास जो डेटा सेट है उसका सेंट्रल टेंडेंसी कैसा होता है। तो ये सब हम लोग एग्जांपल के थ्रू डिटेल में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोड क्या है। मोड आपके पास जो डेटा सेट है उसमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो होगा वो होगा आपका मोड। तो आपके पास जो डेटा सेट है उस पे अगर कोई एक ऐसा नंबर हुआ जो सबसे ज्यादा बार आ चुका है तो वो आपका मोड होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो पहले मैं एक डेटा सेट ले लेता हूं, एक सीरीज ऑफ नंबर्स। कैसा? 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। तो इससे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इससे हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इससे मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा? ये सब हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ऐसे करेंगे, 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8, और कितने नंबर है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसको ऐड करें तो आपको मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 5 होगा आपका मीन। ठीक है, अब हम लोग मीडियन को देखेंगे। तो मीडियन के लिए मैं एक और डेटा सेट ले लेता हूं, जैसे कि 4, 6, 8, 2 एंड 3। ये हमारे पास एक डेटा सेट है। अब देखिए इसमें कितना नंबर है? 5 नंबर है यहां पे, विच इज ऑड। तो ये ऑड नंबर्स है। अब मीडियन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सिक्वेंशियली रखेंगे। तो सबसे छोटा पहले यानी कि 2, उसके बाद 3, 4, 6, 8, ऐसे हम इसे सिक्वेंशियली रखेंगे। अब हम देखेंगे इसका मिडिल नंबर कौन सा है। तो ये ऑड नंबर है, सो इसका मिडिल नंबर क्या होगा? ये 4, क्योंकि देखिए इस 4 के लेफ्ट साइड पे आपको 2 नंबर मिलेगा और राइट साइड पे भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यही है आपका मिडिल नंबर। अब हम देखते हैं अगर ये ऑड ना होके इवन नंबर होता तब क्या होता। तो ठीक है, हम लोग एक और डेटा सेट ले लेते हैं, जैसे कि 1, 5, 9, 6, 3, 8। तो यहां पे 6 नंबर है, विच इज इवन। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसे सिक्वेंशियली रखेंगे। तो ऐसा होगा, 1, 3, 5, 6, 8, 9। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे एक नंबर तो नहीं मिल रहा मिडिल नंबर के तौर पे, तो हमें क्या मिल रहा है?
ये दो नंबर्स, इसके लेफ्ट साइड पे दो नंबर है, राइट साइड पे भी दो नंबर है, तो ये दो नंबर मिला के हमारा मीडियन होगा। तो हम इस बार कैसे निकालेंगे मीडियन को, इस बार हम क्या करेंगे, 5 + 6 क्योंकि हमें हमारे पास दो नंबर है, उसे डिवाइड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। 5 + 6 = 11 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.5। ये होगा हमारा मीडियन। अगर ऑड नंबर हुआ तो एक ही मीडियन मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमें 4 मिला था, यहाँ पे इवन नंबर है इसीलिए हमें दो नंबर मिलेगा और उसका एरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे। एरिथमेटिक मीन करके हमें मिला है 5.5। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो एक ही मीडियन है, और अगर इवन नंबर है तो दो नंबर्स मिलेगा, उसको एरिथमेटिक मीन करके आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि मोड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक और डेटा सेट ले लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 6, 4, 7, 4। यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास डेटा सेट है, यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा नंबर है, ये 4, तीन बार है, सबसे फ्रिक्वेंट है ये 4, और बाकी सभी नंबर एक बार करके है, 2, 3, 6 एक बार करके है, लेकिन 4 तीन बार है। इसीलिए हमारा मोड क्या होगा, मोड होगा सबसे फ्रिक्वेंट नंबर और सबसे कॉमन नंबर, जो कि है यहां पे 4। तो ऐसे ही आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।